আবার आ जाओ शहंशाह, अब आ भी जाओ, मेरा दम टूटा जा रहा है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही बात कहना है, मुझे तो एक ही आह खींचना है। बाद अब्बा मुलायजा होशियार। किसने पुकारा हमें किसने पुकारा? फिर पुकारो फरियादी, हम आ गए। शहंशाह, आपको हृदय सिंह खामोश फरियादी, हम देर करके पहुंचे, तुम हमारा इंतजार भी न कर सके। शाही हुक्म सादिर हो तो इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी जाए। नहीं, मजलूम ने हमें पुकारा था, हमारा दामन थाम के इसने फरियाद करनी चाहिए थी, हमारे दर पे आके इसने दम तोड़ा है, इसलिए इस पर जो जुल्म हुआ है उसकी तहकीकात हम ही करेंगे। रंजीत सिंह को हमारे हुजूर हाजिर किया जाए। मत घबराओ बेटी, बादशाह अपनी रियाया का बात समझा जाता है, हम तुम्हारे बादशाह हैं, तुम्हारे बाप की तरह हैं, तुम हमारी औलाद में से हो। ऐसे किसी शख्स को जानती हो जिसे तुम्हारे घराने से बैर हो? मैं ऐसे किसी शख्स को भी नहीं जानती। मुमकिन है कि कोई तुम्हारे घराने का दुश्मन न हो, तुम्हारे बाप और भाई किसी के दुश्मन हो और उन दोनों ने घेर कर उसे कत्ल करना चाहा हो और खुद कत्ल हो गए हो, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है। ऐसे किसी शख्स का नाम तुमने कभी सुना है? कभी नहीं सुना। तुम कातिल या कातिलों की निस्बत कुछ नहीं कह सकते? कुछ नहीं मलके आलम, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, हम तुम्हारे गम में तुम्हारे बराबर के शरीक हैं। सरदार संग्राम सिंह से हजारी गरे दौलत पर हाजिर हैं, ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कत्ल के बारे में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हाजिर होने दो। सरदार संग्राम सिंह, अंदाजा तुम इसलिए आए हो कि ठाकुर उदय सिंह और रंजीत के कत्ल की निस्बत कुछ बयान करो। अंदाजा, इजाजत है। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कत्ल का ताल्लुक मुझसे है, कत्ल कैसे हुआ ये मैं अर्ज नहीं कर सकता, किसने किया ये मैं जानता हूँ। यानी? ये इसलिए जानता हूँ कि मैं कत्ल का बाप हूँ, दोनों खून मेरे बेटे के हाथों पर है। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि मंगल सिंह को ठाकुर उदय सिंह और रंजीत का कातिल समझ लिया जाए? यही। तुम्हारा बयान मान लिया गया। इसके सिवा अब हम ये भी सुनना चाहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मंगल सिंह कातिल बन जाने के बाद मेरे पास पनाह लेने आए, मेरे सामने उन्होंने अपने को खूनी होने का इकरार किया और मैंने बाप बेटे के रिश्ते को भूल कर अपना ये फर्ज समझा कि उन्हें कानून के सुपुर्द कर दूं। बयान जारी रहे, लेकिन मेरे फर्ज के अदा होने से पहले वो मेरे कब्जे से निकल गए। कैसे?
एक माँ शायद अपनी ममता के सामने बड़ी से बड़ी बात का लिहाज नहीं कर सकती। मंगल की माँ भी एक माँ है। उसने माँ होते हुए मंगल के मुकाबले में मेरे फर्ज को पीछे डाल दिया और कानून की अमानत मेरे हाथ से गुम हो गई। इसलिए मैं अपनी हैसियत एक मुजरिम की तरह समझने पर मजबूर हो गया हूँ और अपनी इस गलती का वो हर्जाना देने के लिए हाजिर हुआ हूँ जो मेरी इस गलती के लिए चाहिए। कुंवर, हम तुम्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे बाप और भाई के कातिल के साथ सल्तनत का कानून पूरा पूरा इंसाफ करेगा। मैं अपने पिता और भाई के खून के वास्ते न्याय नहीं चाहती। वो जो कुछ भी हमारे भाग में था हो चुका। तुमने गलत कहा। तुम्हारे इनकार से शाही इंसाफ की तसल्ली नहीं हो सकती। तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए लेकिन कानून को तो चाहिए, और कानून की जरूरत कभी नहीं रोकी जा सकती। सरदार संग्राम सिंह, जो अमानत तुमने गुम कर दी है उसे तलाश करो, और उस वक्त तक तलाश करते रहो जब तक तुम हो। तुम्हारी गलती के लिए यही काफी है। सरदार संग्राम सिंह, राजकुमार हमारी गहरी तवज्जो के लायक है। ये अपने बाप और भाई के बाद दुनिया में शायद अकेली रह गई है। अगर हम अपनी तरफ से राजकुमार को तुम्हारे ही हवाले कर दें, इसकी सरपरस्ती का बोझ तुम पर डाल दें, तो तुम मंजूर कर लोगे? मलके मौजिमा के हुक्म के सामने सर झुकाना संग्राम अपनी खुशकिस्मती समझता है। हमारी तरफ से शुक्रिया। राजकुमार, हमने तुम्हारे लिए ये जो कुछ फैसला किया है, तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? मलके आलम, आपकी कृपा। सरदार संग्राम सिंह, इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज जानकर इसकी हिफाजत करो। ये हमारी अमानत है जो तुम्हें मिली। इसका ध्यान रहे कि ये अमानत है और हमारी। एक नई दुनिया है हैदर अली, सपने की दुनिया जैसे। जो तो इसी दुनिया में तुम कहीं खो डालो। क्या बहुत पसंद आया ये मंजर? बहुत। मैं तो ऐसा कुछ समझ रहा हूँ कि जैसे उस दुखी दुनिया से इस दुनिया का कोई संबंध ही नहीं। फिर यहीं गुजार दो जिंदगी। कैसे गुजार दूं मेरे दोस्त? इस भागे हुए मुजरिम को नर्क में भी शांति नहीं मिल सकती। ये तो स्वर्ग है। खैर छोड़ो इन बातों को और बताओ तुम मेरा संदेश कब भिजवाओगे? कल भिजवा देंगे। अच्छा है, उन्हें मेरी तरफ से इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन कौन ले जाएगा? किसे भेजोगे? मुझे गिरफ्तार करा देने वाले के लिए इनाम मुकर्रर हो चुका होगा। किसी ऐसे शख्स को भेजना भाई जिसके इस इनाम पर राल ना टपक सके। ये जाएंगे तुम्हारा संदेश लेकर। ये मेरे दूध शरीक भाई हैं, इन्हें पता समझा दो। आगरा जाना है ना? जी। किस जगह? आप कभी आगरा गए हैं? बस एक बार। तो फिर ऐसा कीजिए, कहना तो बस उनसे यही है कि मंगल खतरे की निगाहों से ओझल हो चुका है और उसका इरादा है कि अब जहां है वहां से भी कहीं दूर चला जाए। हाँ? मुझे कहने दो पहले। ज्यादा दिन एक जगह मुझ जैसे खूनी मुजरिम का ठहरे रहना मेरे और मेरे ठहराने वाले दोनों के लिए खतरनाक है। मैं तो बलाओं के बीच घिरी गया हूँ, दूसरे किसी के लिए मुसीबत का कारण क्यों बनूं? नहीं, तुम यही ठहरोगे, जबरदस्ती ठहरोगे। हाँ, पर आप मेरी तरफ से उन्हें यही संदेश दें। पता आपने नहीं बतलाया? आगरा शहर की चार दीवारी के पास जब आप पहुंचेंगे तो चार दीवारी के बाहर ही नदी किनारे धोबियों की एक छोटी सी बस्ती आपको मिलेगी। बस्ती के सिरे पर ही रानी धोबन का घर है। वो हमारी खास धोबन है। वो आपको उसी वक्त हमारे घर पहुँचा देगी। सावर वाला, सावर वाला,
रानी को भी नचाओ। जरूर जी, जरूर नचाओ। ना त्री बहना ना बहना, मैं ना नाचने की, क्यों ना नाचने की, बड़ी आई अफलातून की, ना नाचने की, हमको इतने मोती तोड़ लेंगे। क्या कहा इसने री? कहे है ना नाचने की। आ? फिर हमारी जिंदगी का कहेगा? अरे मैंने कही जब नाचने की ना बदी थी तो फिर जहर की पुड़िया क्यों ना लेती आई तू? अच्छा हम तो मत रोकियो, हम डूबने चले हैं, तू भी चली है वे? ना मैं तो यहाँ ही मर रहूंगा भैया। मैंने कही जो हम सबकी जान का आजाब तुझ पर न पड़े तो मैं अब मेरी जान से कुछ निकल जाएगा तो इससे तलवा धोबी नहीं चमार कह देना, इससे जद्दू नहीं भंगी कह देना, और इससे बस 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 क्या कहा था तूने? कौन सी है? तुम रानी धुबन को नहीं पहचानते? फिर तो तुम्हें ये भी खबर ना होगी जी कि आगरा शहर किधर को बसे हैं और आगरा शहर कहे किस चीज को है। काले कोसों के मुसाफिर जान पड़ो हो। हाँ बहुत दूर से आए हैं हम। अच्छा तो जी तुम्हारे तो कभी खाम में भी आगरा शहर ना आया होगा? आया होता तो रानी धुबन भी तुम्हारे खाम में आनी चाहिए थी। कौन सी है रानी धुबन? वो क्या रही वो जो नाच रही है? शर्मावे क्यों है री तू? मैं कोई गाय थोड़ी ही हूँ, मैं तो तेरा रामू हूँ, तेरे सामू का बापू हूँ मैं तो। इसमें क्यों शर्मा गई तू? आज तो मार बापू है, का तुझे याद ना रहा? प्रणाम पिताजी। जियो ये जरा हमारे गरीबान का तुकमा तो टांग दो, और चौथे पांचवे दिन टूट जाता है। लाइए। ऐसे ही टांग दो बस दो तीन टांके फिर टूट जाएगा। तो फिर टांग दीजिए।
तुम्हारी माँ को तो अब सुई भी सुझाई नहीं देती। भले मानस अपनी आंखों के पीछे ही पड़ गई है। और क्या करे फिर, वो अपने बेटे की माँ है और आप जो हैं बाप हैं। क्या मतलब तुम्हारा? माँ को अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और बाप को नहीं होता? होता है, उड़द पर सफेदी जितना। देखो सुई मत चुभो देना कहीं। आप भूल कर भी उन्हें याद नहीं करते और माँ जी भूल कर भी उन्हें नहीं भूलती। ठीक ठीक, तुकमा टांग दिया। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, हमारे भाग देखो, हमें पली पलाई बेटी मिल गई। जीती रहो जीती रहो, बेटी भी कितनी आराम की चीज होती है और बहुत से कामों के सिवाय वक्त बेवक्त तुकमा टकवाने का ही काम आ जाया करती है। और हमारा तो ख्याल है कि बेटी होती है तुकमा टकवाने के लिए। ठाकुर जी। जी। बाहर कोई मिलने आया है आपसे। अच्छा बैठाओ, हम आते हैं। पालागन ठाकुर। पालागन। जयराम जी की ठाकुर जी। जयराम जी की? अरे भाई हमारे चोगे का तुकमा तुम फिर तोड़ लाएं, ये क्या मर्ज हो गया है तुम्हें? क्षमा ठाकुर जी। विराजिए। आज्ञा। मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। संदेश आया है? संदेश कहाँ से आया है, कौन लाया है, क्या आया है? वो खतरे से दूर हो गए हैं, बहुत दूर, पर उनका ख्याल है कि वो कहीं और भी ज्यादा दूर चले जाएं। वो खतरे से और भी ज्यादा दूर चले जाना चाहता है, मुनासिब है। मैं भी तो सुनूं क्या संदेश भेजा है मेरे लाल ने। कि वो खतरे से दूर हो चुके हैं। और भी तो कुछ कहला भेजा होगा। और क्या कहला भेजा है मेरे लाल ने? मुझे प्रणाम तो कहला के भेजा ही होगा। मैं उसकी माँ हूँ, उसने अपनी माँ को क्या संदेश भेजा है भैया? ये तो कहा होगा तुमसे कि मेरी माँ को जाकर मेरा प्रणाम कहियो। और ये भी तो जरूर कहा होगा कि माँ मुझे याद आती है। और उसके बाद ये कहा होगा कि मैं अच्छी तरह हूँ। क्यों भैया, क्यों भैया? जी छोड़ के चलना मेरे भाई, तुम्हें चार दिन का रास्ता दो दिन में तय करना है। पालागन सरदार। पालागन, तुम बता सकते हो हैदर अली जागीरदार की हवेली किस ओर है, कितनी दूर है? दो को सरदार, न्यू पश्चिम की ओर। शुक्रिया। जय सरकार।
लौटते हुए पियेंगे भाई, हमारी प्यास तुम पर उठा रही। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया हैदर, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं, मेरा घर कोई सराय तो थी ही नहीं कि तुम्हें वहां ठहरने के लिए कोई मुआवजा अदा करना पड़ता। ये तुमने बात मारी हा? नहीं मंगल, लेकिन तुम फजूल जा रहे हो। मैं नहीं समझ सकता कि मेरे पास तुम्हारे न ठहरने का मतलब क्या है। हैदर अली, मैं एक खूनी हूँ, कानून के दाव से भागा हुआ एक मुजरिम हूँ। खतरा मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ ठहरा रहा तो फिर उससे बचकर नहीं भाग सकता। खतरे के सर पर आ जाने से पहले मुझे आगे बढ़ने दो। तुम यहाँ ठहर कर तो देखते तो सही कि तुम पर किसी की टेढ़ी निगाह पड़ना कितनी मुश्किल होती। दोस्त की दोस्ती को परखे बगैर तुम चल दिए। तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान लिए बगैर ही मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। अच्छा अब मुझे रुख्सत करो। मैं बहुत खुश रहा, बहुत इत्मीनान से रहा, मुझे भरोसा रहा कि तुम एक सच्चे दोस्त हो मेरे। मंगल, अच्छा होता अगर तुम न जाते। बुरा भी हो सकता था। मंगल, तुम जा रहे थे, अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ पहुंचा। अगर तुम चले जाते तो मेरी मुश्किलों की इंतहा न रहती। पिताजी, माताजी तो अच्छी हैं। अच्छी है और सब अच्छे हैं। लो इसे पहन लो। पिताजी। हाँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। ठहरिए जरा, आप इनके बाप हैं दुरुस्त है, लेकिन ये इस वक्त मेरे मेहमान हैं, मेरी पनाह में हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, अपनी शान में मुझे गुस्ताखी करने का मौका न दें, मुझे अफसोस होगा। हैदर अली, मेरे और मंगल के बीच में मत पड़ो। मैं इन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, इन्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। हरगिज नहीं। हैदर, मुझे गिरफ्तार होकर जाने दो। आप इन्हें गिरफ्तार करके एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने फर्ज का ध्यान रखते हुए हमारे फर्ज का भी ख्याल रखें। मेरे और आपके फर्ज में कहीं टक्कर ना हो जाए। कोई परवाह नहीं, तुम अपने फर्ज की रक्षा कर सकते हो। बेहतर। हैदर, ये बाप है मेरे। हैं, लेकिन हम इस वक्त ऐसा नहीं समझ सकते। हैदर, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, कोई हर्ज नहीं, तुम्हें इजाजत है। हैदर! हैदर, तुमने मेहमान पर वार किया।
किया? भला यूं कब तक रोती रहेगी? उठो मेरी बेटी, यूं हलकान होने से क्या होगा? क्या होगा? होगा, ईश्वर ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, और अच्छा न हुआ तो क्या होगा? बुरा बोल मुझे नहीं निकाला करते बेटी, अभी तो दरबार में उसका मुकदमा ही सुना जा रहा है। प्रार्थना करो। मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे, न जाने इन्होंने मेरी सुनी भी है या नहीं। ईश्वर के कर्तव्य न्यारे हैं, वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सकती है, उसकी दया का क्या ठिकाना भला? सच माता, उसकी दया का कोई ठिकाना नहीं है। ये सच है या यूं ही आपने कह दिया? निराश हो जाने पर लोग कहा करते हैं कि प्रार्थना पर आशा रखो, ईश्वर की दया की कोई था नहीं है। हमारी भी मुश्किल कहीं इस अंत को तो नहीं पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे देखो, जानती हो मैं उसकी माँ हूँ, माँ, और मैं माँ होकर भी नहीं रोती। देखो देखो तो, मैं माँ होकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पती। माता माता, ईश्वर की दया का क्या ठिकाना भला? उसके कर्तव्य न्यारे हैं, वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सकती है। सर के उठाने का हक है और न मजाल। नजर झुकाए हुए और हाथ बांधे हुए खड़े रहो, रहो खामोश सांस रोके हुए। क्या रही है सवारी कमाल रहमत की? हवाएं हो गई साकित जमी की गर्दिश भी। दरबार, मंगल सिंह। अन्नदाता, तुम पर जो इल्जाम है उसकी सफाई के लिए मां बदौलत तुम्हारा बयान सुनेंगे। हुक्म अन्नदाता। हुक्म है। मुझे इकरार है कि रणजीत सिंह मुझसे लड़कर कट मरे और मेरे हाथों ठाकुर उदय सिंह को जख्मी होना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो लड़ने ही के लिए आए थे। उन्होंने अपने अपने ध्यान में मरने मारने ही की ठान रखी थी। हो सकता था कि वो मेरा खून बहाकर अपने इरादे में कामयाब हो जाते, लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ लड़ाई जीत गया। तुमने इकरार किया कि तुम पर जो कत्ल का इल्जाम है
वो इल्जाम दुरुस्त है। उन्होंने मुझे लड़ने पर मजबूर किया, उन्होंने अपना खून बहाने के लिए बुरी तरह हट की और दो तलवारों के टकराने का जो अंजाम होना चाहिए था हुआ। उन्होंने खुद लड़ाई की पहल की और आखिर में खुद ही हार गए। इल्जाम की सफाई अभी तक तुम नहीं कर सके। अंदाता, कोई अगर जानबूझकर ज्वालामुखी के दहाने पर बैठ जाए तो कोई क्या करे? कोई क्या करे अगर कोई अंगारे चाप कर निकल जाए? एक वीर राजपूत को गाली देना भी ऐसा ही है जैसे कोई शेर के जबड़ों में अपना सर डाल दे। रंजीत सिंह और उदय सिंह ने जबरदस्ती मेरी तलवार को जोड़ा और वो झुंझला गई। इतना कह डालो कि कहने से कुछ रह न जाए, फिर इस बात का अफसोस न रहे तुम्हें कि तुम बहुत कुछ न कह सके। अन्नदाता, मैं अगर अपने ही दांतों से अपना टेटवा चाप कर कह दूं कि मेरे दांत खूनी है, मैं अगर अपने सीने में खुद ही एक सलाख ठोंक कर कह दूं कि सलाख मुजरिम है, तो क्या मेरा ये कहा मान लिया जाएगा? मुझसे भी इसी तरह का जुर्म हुआ है, मुझे कह करनी पड़ी इसलिए कि मेरे मुंह में गंदगी ठूंसी गई थी। मेरा खून भला कैसे न खौलता जबकि मेरी रगों में अंगारे भर दिए गए थे, मेरे सर पर कूड़ा फेंका गया और मेरी तलवार उठ गई। तुमने अपनी सफाई के लिए जो दलीलें दी वो अपनी जगह पर मुनासिब हैं, फिर भी हम तुम्हें बेकसूर नहीं मान सकते। अंधाता, इसलिए कि अगर तुम्हें ये यकीन था कि तुम बेखता हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों कानून के सामने आने से डर गए? ये जानते हुए भी कि कानून से तुम अपना बेकसूर होना मनवा लोगे, तुमने क्यों ना खुद को कानून के फैसले पर छोड़ दिया? इस डर से अंधाता कि खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। तो इसका यह मतलब हुआ कि मां बदौलत का इंसाफ लकीर का फकीर है? इसका यह मतलब हुआ कि मां बदौलत का इंसाफ इंसाफ नहीं है, एक बेहुदा जिद है, जिद जो किसी दलील को नहीं मान सकती। समानदाता, जवाब दो, जब तुम्हें यह मालूम था कि तुम बेकसूर हो तो तुमने ये क्यों ना सोचा कि इंसाफ की तरफ से किसी बेकसूर पर आंच नहीं आ सकती? तुमने ये क्यों सोचा कि इंसाफ तुम्हारे लिए गूंगा और बहरा हो जाएगा? तुम क्यों इंसाफ का दामन झटक कर चले गए? कसूर अंदाता, नहीं, तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुजरिम हो, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इंसाफ भी तुम्हें मुजरिम ही ठहराएगा, इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये एक अटल बात है कि सच्चाई किसी खतरे से नहीं डरती। बात तुम्हारे दिल में खोट थी जिसने तुम्हें इस बुजदिली के लिए उभारा। इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए और फिर उन दलीलों का कोई मामूल जवाब न पाते हुए इंसाफ ने तुम्हें मुजरिम यकीन कर लिया। तुम्हें इंसाफ के किसी फैसले से शिकायत नहीं होना चाहिए, फैसले का इंतजार करो। भाजपा मुलायजा होशियार, भाजपा मुलायजा होशियार, भाजपा मुलायजा कोई परवाह नहीं, मस्त खेलते सह जाओ। तुम राजपूत हो, मौत से खेलना तो तुम्हारा काम ही है। मां की ममता से कभी कभी घाटा भी हो जाता है। मैं कायर शायद नहीं। नहीं हो, बेशक नहीं हो। सरदार संग्राम सिंह से हजारी दरे दौलत पर हाजिर हैं, बारियाबी चाहते हैं। आने दो। लिया कैसे आए ठाकुर? इससे पहले कि कानून को फैसला सुना दे, शाही रहम को पुकारने आया और ये आस लेकर आया हूं कि मेरी पुकार निराश होकर नहीं लौटेगी। मतलब
वो जो उम्र भर की कमाई में जहांगीर इंसाफ पर निछावर करने ले आया था, अब उसी की भीख मांगने आया। समझे, लेकिन निछावर की हुई चीज लौटाया नहीं करते, और वो लौटा भी नहीं करती। मैं सरदार संग्राम सिंह बनकर हाजिर नहीं हुआ हूँ, बाप बनकर आया हूँ। संग्राम सिंह को अपना फर्ज प्यारा था, उसने मुजरिम को शाह के हुजूर हाजिर कर दिया। बाप को अपना बेटा प्यारा है, इसलिए बाप अपने बेटे की जिंदगी मांगने आया है। तुम इस वक्त संग्राम सिंह बनकर नहीं आए, बाप बनकर आए हो, और हम भी इस वक्त शहंशाह नहीं है, जहांगीर है, और जहांगीर को शाही कानून पे इख्तियार नहीं है। जहांगीर को सब पे इख्तियार है। संग्राम शहंशाह के इंसाफ से कुछ कहने नहीं आया, एक बाप शाही रहम का दामन थाम के रोने आया है, ये समझ के कि शाही इंसाफ शाही रहम का कहा टाल नहीं सकता। अंदाजा, आपके अख्तियार में अगर इंसाफ नहीं है, लेकिन रहम तो है। संग्राम अपना फर्ज अदा कर चुका, इंसाफ अपना फर्ज अदा कर चुका, लेकिन रहम ने अभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। रहम के जिम्मे भी एक फर्ज है, रहम को भी अपना फर्ज अजीज होना चाहिए। मानते हैं संग्राम सिंह को अपना फर्ज अजीज है, एक बाप को अपना बेटा अजीज है, जहांगीर को रहम अजीज है, शहंशाह को इंसाफ अजीज है, और फिर कोई भी अपने अजीज को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। शहंशाह को यह किस तरह बर्दाश्त होगा कि जहांगीर का रहम उसके इंसाफ का खून बहावे। शहंशाह, संग्राम सिंह, हमें तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हम क्या करें, तुम हमसे वो तलब कर रहे हो जो हमारे बस में नहीं है। मेरी कई पुश्तें शाही सेवा में बीत चुकी हैं, उनकी सेवा और उनकी बेदाग वफादारी का ही ख्याल फरमाते हुए मेरी इल्तिजा कबूल फरमाई जाए। सरदार संग्राम सिंह की कई पुश्तें शाही खिदमत में गुजर चुकी हैं, हमें इकरार है, लेकिन तुम फिर भूल गए कि तुम संग्राम सिंह बनकर नहीं आए हो, और ये कि इस वक्त हम भी शहंशाह नहीं है। अंदाता, मंगल की जिंदगी का सवाल मेरी जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है जिसने शाह के इशारों पर अपने खून की छींटे उड़ाई हैं, जिसने शाही हुक्म बजा लाने के लिए तलवारों की धारों पर अपने सीने को टेक टेक दिया है, जिसने शाही बात की पच के लिए तीरों की नोके टेढ़ी कर कर दी है, जिसके बाप दादों की हड्डियां सल्तनत की चार दीवारी में गड़ी हुई है, जिसके बाप दादों ने सल्तनत को अपने खून की घुट्टी पिलाई है, जिसके बाप दादों ने अपना लहू बहाकर हुकूमत की खेती सींची है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है जिसके बाप दादों की लाशों पर हुकूमत की नींव रखी गई है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहकर अपने फर्ज को जिंदा रखता रहा है, जिसने बड़ी जान जोखिम से शहंशाह का नमक हलाल किया है। संग्राम सिंह, आलमपना, जामे से बाहर मत हो, हम तुम्हारे कहे को तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसाफ की हतक से खिदमत की इज्जत नहीं हो सकती। हम इंसाफ कर चुके, ये हमारे आखिरी अल्फाज हैं। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं? आखिरी अल्फाज, मेरी आस का आखिरी तार जो हिलकर रह गया था वो भी टूट गया। मंगल सिंह, तुमने जव बोए थे, बाप तुम्हें गेहूं कैसे काट के दे दे, तुमने जव बोए ही क्यों थे? मैं के सरदार नवाजिश अली खान पंचहजारी जहां पना शहंशाह जहांगीर के हुक्म मोहतरम से ठाकुर मंगल सिंह रिसालदार भरत सरदार संग्राम सिंह से हजारी कौम राजपूत के हक में उसके जुर्म के फैसले का ऐलान कर रहा हूं। तुम के ठाकुर मंगल सिंह रिसालदार भरत सरदार संग्राम सिंह से हजारी कौम राजपूत सकने अकबर आबाद हो, कानून ने तुम्हें ठाकुर उदय सिंह भरत ठाकुर रणबीर सिंह कौम राजपूत सकने अकबर आबाद और ठाकुर रंजीत सिंह हवालदार भरत ठाकुर उदय सिंह कौम राजपूत सकने अकबर आबाद का कातिल तस्लीम कर लिया। तुमने अदालत आलिया के सामने अपने जुर्म का इकरार किया, और जो एतराज तुम्हारे बयान पर अदालत आलिया ने किया था तुम उसका कोई माकूल जवाब न दे सके, इसलिए अदालत मौसूफ अपने फैसले पर पूरा भरोसा करते हुए मुल्क के कानून और शरीयत के कायदे के मातहत
قتل کے جرم میں تمہارے لیے سزائے موت تجویز کرتی ہے، لیکن کل چونکہ رمضان المکرم کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کا احترام کرتے ہوئے سزائے موت تمہیں عید الفطر کے دو دن بعد دی جائے گی۔ فیصلہ شاہی مہر کے بعد صادر ہوا۔ पिताजी। हाँ बेटा। क्या हुआ? आज मेरी तलवार टूट गई। उनका क्या निमटा? मंगल का क्या निमटा? सब निमट गया। तब तो उसे साथ ले आए होगे, फिर उसे छोड़ कहाँ आए? शोभा, हम मंगल को न ला सके और वो अपनी आन भी न ला सके जिसे हम अपने साथ लेके गए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो आपको घी के चिराग जलाने चाहिए। आपने मनवा तो लिया कि आप एक नमक हलाल नौकर हैं, एक बहादुर बाप हैं। आपके कलेजे में ठंडक तो पड़ गई। न्याय के माथे पर आपने एक निर्दोष के खून का तिलक तो लगा दिया। शोभा, आपकी मनमानी मुराद तो पूरी हो गई। वो तख्ती तो आपने किसी न किसी तरह उतार फेंकी जो मैंने आपके गले में लटका दी। आपकी नमक हलाली का ढंडोरा तो पिट गया। आपकी बहादुरी की धाक तो जम गई। आपके नाम के वो झंडे तो गड़ गए जो मैंने उखाड़ फेंके। इतना होने पर भी आप घी के चिराग क्यों नहीं जलाते? शोभा, बहुत कह लिया तुमने। तुम चुप बैठे रहो, मुझे अभी और कहने दो। मेरे मन में ज्वाला फट पड़ा, मेरी हड्डियों तक उसमें पिघली जा रही है। तुमने मेरी गोद पर झाड़ू फेरी है, तुमने मेरी कोख पर लात मारी है, तुमने घर फूंक कर तमाशा देखा है। मुझे कोयले उछालने दो, उछालने दो, मुझे कोयले उछालने दो।
खंगियाली पट गई, धोबिया की गोदी में रानी सिमट गई, धोबिया की गोदी में रानी सिमट गई। ये रथ किसका जा रहा है? ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली का जान पड़े है, उमर जावे है मैं तो जानू। तू गैब का हाल जाने, क्या मालूम दूजा कोई हो? मैंने आज सवेरे सुना था कि वो आज मलका की खिदमत में जाएंगी। काहे भला? मंगल सिंह की खातर दया की अर्जी देने। भला जी भला, फिर तो माफी मिल रहेगी। मलका जी को उन पर तरस आवे बिना रहेगा नहीं, और फिर बादशाह सलामत को उनके तरस का लिहाज करना ही पड़ेगा। ये तो है ही जी, घरवाली बड़ी जालम से होवे है, कैसा ही जी गुर्दे वाला कोई क्यों न होवे, ये भी मुट्ठी में दाब के बैठ जाए है। लोग कहिन है कि मर्द लुगाई का खत्म होवे है, उल्टा कहिन है। अब हमरा ही मामला देख लियो, कहने को तो मैं खत्म कहलाऊ हूँ रानी का, पर बाकिया उल्टा ही है। चुप रहो। लजने की इसमें कौन सी बात है री? ये जो इतने मर्द नजर आ भी रहे हैं तुझे, बस ये दिखावे ही दिखावे के हैं। ईश्वर की दया से इनमें से एक भी अपनी लुगाई का खत्म ना है। अब कैसे कैसे हैं दी? यहाँ से जरा ऊंचा है, मैं गिरी हूँ दी। यहाँ से जरा नीचा है, मैं मरी होती। अहो, बिजली भी तो आज कौन रही है, किस पर टूटेगी? चलिए जरा ऊंचा नीचा है। अरे कहा, लकीर पीटना ही रह गया है अब तो। सिंगार करने की कुछ आदत सी पड़ गई है, नहीं तो जब मैं तुम्हारी उम्रों में थी तो बड़ी दूर दूर से लोग मेरी सज धज देखने के लिए आया करते थे। देख में मेरा नाम लेके कंगी चोटी किया करती थी। इसमें क्या शक है बुआ, ये तो किस्मत से जरा कसर रह गई है। अगर तुम सिर्फ औरत ही औरत होती तो किसी न किसी सल्तनत की मलिका जरूर होती। बादब्बा मलाइजा, मलका आलम तशरीफ ला रही हैं।
तुम्हारे गले में नूर है। बताओ हम किसे निशाना बनाएं? जिसके जीने का कोई मतलब न हो। गोया तुमने ये कहा कि हम किसी को भी निशाना नहीं बना सकते। कनीस ने तो ये अर्थ नहीं किया मलकयाला। यही कहा, क्योंकि हर जिंदगी अपनी जगह अपना एक मतलब रखती है, हर चीज, हर जर्रा। फिर भी मलकयालम, दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक उनमें से भी बिजली है। ना मुराद चुड़ैल कहीं की, मैंने भला तेरे कौन से गांव मार लिए हैं? जब देखो मुंडी काटी मेरे पीछे पड़ी रहती है। गुस्सा थूक दो बिजली, देखो निशाना, देखो हमारा। देखो उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख को निशाना बनाते हैं। बहुत खूब मलका आलम, वारी जा लौंडी। अब तुम में से कोई निशाना बताए। कनीस बता। हाँ, जग मारे जग जग दियो दियो सदा तुमना, दियो सदा तुमना, सदा तुमना, सुपल रहे हर बार, दियो सदा तुमना, सदा तुमना, सुपल रहे हर पार। जग माहे जुग जुग दियो दियो सदा तुम्हाना। आबाद रहो। कुछ अर्ज करने आई हो मलके आलम? हम सुनेंगे, जो कुछ कहने आई हो कह डालो। मलके आलम को याद होगा कि आपने कनीज को एक बार अपनी अमानत कहा था। याद है, हम जो कुछ कह चुकते हैं उसे कभी नहीं भूलते। मुझे यही अर्ज करना था कि आपने अपनी अमानत जिनके हवाले की थी, वो अगर आपकी अमानत न लौटा सके तो आप उन्हें कोई दोष न दें। समझ लें कि आपकी अमानत खुद ही मिट गई। यानी आप जानती होंगी कि हर हिंदू औरत सती हो जाती है जब उसे सती होना पड़ता है। मेरे सती हो जाने का समय भी आ पहुंचा है। हम अभी तुम्हारी बात समझे नहीं। वो जिनसे दो जीवों की हत्या हुई है, जिन्हें लोग हत्यारा मानते हैं। तुम कुछ मंगल सिंह के बारे में कहना चाहते हो क्या? मैंने उन्हें वही मान लिया था कि जिनके मर जाने पर मुझे सती हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें प्राणनाथ मान लिया था। मंगल सिंह को? कब? बहुत दिन बीते। आप ये न सोचे कि दुनिया ने हमारे जीवनों की गिरह नहीं बांधी। दुनिया ने हमारे जीवनों में गिरह लगते नहीं देखी। ये गिरह तो मन के भीतर लगाई जाती है। दुनिया ने देखा या न देखा, हमने ये सोचा ही न था। हम तुम्हारी बात का मतलब समझ गए। कनीज का सवाल तो मलके आलम की दया से ही है। आप मलिका हैं, एक औरत भी हैं, और औरत के दुख दर्द को औरत ही अच्छी तरह समझ सकती है। औरत ही औरत के सीने में हाथ डालकर कुछ छू सकती है, कुछ टटोल सकती है। आप तो समझ सकती हैं कि इससे बड़ा दुख औरत के लिए नहीं है कि वो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाए। सही है। आप चाहें तो मेरे सुहाग की मौत टल सकती है। आप चाहें तो तुम हमसे मंगल सिंह को मांगने आई हो, लेकिन मेरी अजीजा, मंगल की जान बख्शी हमारे इख्तियार में कहाँ है? उसे तो कानून हथिया चुका है। अच्छा, ऐसा ही सही। आप इतनी बड़ी मलिका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती? मैं ये बात नहीं जानती थी। आप
आप इतनी बड़ी मलेका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती। आप इतनी बड़ी मलेका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती। आप इतनी बड़ी बिजली आलीजा की खिदमत में हाजिर होकर मलेका का सलाम पेश करो और अर्ज करो कि मलेका मुकर्रमा आलीजा के नियाज हासिल करना चाहती है। लौंडी के गुस्ताखे के लिए मुआफी। एक शिकार मलके आलम के निशाने का अरमान लिए बैठा है। अरे कहाँ किधर कहाँ वो देखिए वो रहा सामने कहाँ वो देखिए कमीज की उंगली की सीध में वो उड़ा वो मलका आलम जहाँ पना मलका आलम के हरम में तशरीफ ला रहे हैं। अरे क्या हुआ रामू को क्या हुआ ये तो ऐसा भी क्या गजब थी तुम दहाड़े ये जुल्म ये सीना छोड़ी मगर ये कैसे हो क्या हुआ है बड़ा गजब हो गया जी ठाकुर जी क्या गजब हो गया है रामू धूबी मर गया जी क्या हुआ था क्या बताएं क्या हुआ था मैं से एक तीर फेंका था किसी ने वो चुप गया रामू के बस वो यूं यूं तड़प के मर गया जरा में तीर राजमहल से फेंका था किसी ने और राजमहल में मलेका तीर कमान लिए हुए थी गाड़ीवान भगा दौर से मानना पड़ेगा कि मलिका खूनी है मलिका मुजरिम है फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि खून का बदला खून यही जहांगीर का न्याय है फिर? आपकी समझ को क्या हो गया है आप ये नहीं सोचते कि इधर की दुनिया उधर हो सकती है पर ये नहीं हो सकता कि मलिका को भी उनके जुर्म की वही सजा मिल जाए जो दूसरे खूनियों को मिलती रही है अन्नदाता मलिका को सजा नहीं दे सकेंगे तो क्या तुम ये चाहती हो कि मलिका को सजा हो जाए बुरा चाहती हो तुम मैं ये नहीं चाहती कि मलिका को सजा हो जाए मलिका को सजा हो सकती कानून उन्हें क्षमा कर देगा कानून के हाथ में इतना बल नहीं है कि मलिका के कलाई पकड़ सके कानून में इतना बूता नहीं है कि मलिका के पंजे में पंजा डाल सके आप समझे जिस बहाने से मलिका कानून के सामने से हटाई जाएंगी उसी बहाने से हम उन्हें छुड़वा लाएंगे जाइए 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 अभी समय है तीर मारा इसके किसी ने
आज ठाकुर जी तीर मारा जी। ताक के मारा ठाकुर जी, ऐसे जोर से मारा ठाकुर जी। तनिक में कान ही तो निकल गई। ऐसे तड़पने लगा ठाकुर जी, बस ऐसे तड़प। दुहाई लेकर जाओगी बादशाह सलामत के पास? पर मुझ दुखियारी की कौन दुहाई सुनेगा? हाँ जी, हम गरीबों की दुहाई कौन सुनेगा? हम भला किससे जाके फरियाद करेंगे? हमारी पुकार कैसे पहुँचेगी जी ठाकुर जी? पहुँचेगी वैसे ही जैसे औरों की पहुँचती है। चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ चलो, हम दिलवाएंगे तुम्हें न्याय। ठाकुर जी की जय। तुम इतनी समझदार होकर मेहरू हमसे ऐसी नामुमकिन बात क्यों मनवाना चाहती हो? मंगल पर रहम करना एक नामुमकिन बात है। तो मैं समझ लूं कि आपने मेरी दरख्वास्त ठुकरा दी? बुरा मत मान, हमारी जगह बैठकर सोचो, सोचो कि तुम हमसे क्या मनवा रही हो और हम उसे क्यों नहीं मानते। उठिए, मैं आपकी जगह बैठकर सोचूंगी। इस जगह में क्या ये खास असर है कि यहाँ बैठकर हर बात उल्टी ही समझ में आए? अब आप मेरी जगह बैठकर वही सब कहिए जो मैं कह रही थी। हमारा सर भी उठाकर अपने कंधों पर रख लो, फिर तुम हमारी तरह सोच भी सकोगी। मेरे सर में खोल नहीं है, दिमाग है। तो हम रहम मांगे? जी मांगिए। हमारे मुंसिफ, एक सांप ने किसी को डस लिया है, सांप पर रहम किया जाए ताकि वो दूसरे किसी को फिर डसे। हम इंसाफ करेंगे। हुक्म है सांप की जिंदगी छीन कर मरने वाले के हवाले कर दी जाए। खूब महरू, तुमने इंसाफ पर चोट की, खूब की। जी हम अधूरा इंसाफ करना नहीं चाहते, ऐसा इंसाफ जो किसी के नुकसान को पूरा ना कर सके, जो एक दीवार के गिरने पर दूसरी दीवार उठा दे, जो एक चिराग के बुझने पर दूसरा चिराग भी बुझा दे। हम समझे, तुम हमसे रहम और इंसाफ पर बहस करना चाहती हो। मैं देखना चाहती हूँ कि रहम के मुकाबले में आप इंसाफ की कितनी अच्छाइयाँ बयान कर सकते हैं। कीजिए बयान। तुम इस बहस में आखिर हमसे हार जाओगी? मान लो कि इंसाफ ज्यादा जरूरी है। मनवा लीजिए। ओहो, ये हम समझो कि इंसाफ एक तराजू है, दुनिया की हर बात तोलने के लिए एक बादल जो हर घर पर बरसता हुआ निकले, और रहम तुम्हारा एक प्याला भर पानी, इंसाफ एक रास्ता ठहरा हुआ, रहम एक पगडंडी उलझी हुई जो एक पांव से बने और एक ठोकर से मिट जाए, रहम तुम्हारा वो लाड जो बच्चों को ये सिखाए कि वो शोक बन जाएं, और इंसाफ वो तालीम जो उन्हें ये बताए कि वो कांटों को मुंह में न रखें। और कुछ मलका? और अगर मैं ये कह दूं कि इंसाफ एक अंधे की लाठी है और वो बस इसीलिए घूम रही है कि जो भी उसकी जद में आए चोट खाए बगैर ना रह सके, तो आप क्या जवाब देंगे? समझो मलका, समझो, हमारा जादू तुम्हारे ही सर पर चढ़कर बोल उठा। हम भी यही कहना चाहते थे कि इंसाफ के मुंह पर आंखें नहीं होती, वो मुजरिम की गर्दन पकड़ते वक्त उसका चेहरा नहीं देख सकता। फिर हम मंगल को इसलिए क्यों माफ कर दें कि वो संग्राम सिंह जैसे वफादार का बेटा है, जैसे मलिका नूर जहां की सिफारिश का फख्र हासिल है? क्यों? तो आपने इंसाफ को अंधे की लाठी मान लिया? मान लिया, लेकिन तुम भी जरा उन चोट खाने वालों से ये पूछो कि वो एक अंधे की लाठी के सामने क्यों गए थे, उन्होंने सांप के मुंह में क्यों उंगली डाली थी। तुम भी अगर सांप के मुंह में उंगली डाल दो तो क्या हो? क्या हो? वही हो जो औरों के साथ हो सकता है। तुम ये मत समझो कि तुम मलिका होकर कुदरत के उसूल से बाहर चली गई। यकीन जान इंसाफ कभी खुदा ना खास्ता तुम पर भी हाथ डाल दे तो हमें इंसाफ की जिद पूरी करनी पड़ेगी। हमने कड़वी बात कह दी, कहनी पड़ी। कड़वी तो नहीं लगी आपकी बात? आपकी बात कभी कड़वी नहीं लगती। जाइए।
है। खेचो जोर से खेचो। पुकारा हमें? दुहाई है। क्या जुल्म हुआ? अन्नदाता मैं लुट गई, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मुल्जिम को जानती हो? नहीं जानती। सरदार संग्राम सिंह, अन्नदाता तुम्हारी मौजूदगी का मंशा? फरियादी मुल्जिम का नाम दोहराते डरती है जापना। मजलूमा यकीन जानो, तुम इस वक्त कानून के रूह हाजिर हो और कानून हमसे भी नहीं डरता। मुल्जिम कौन है इंसाफ मांगने के लिए तुम्हें यह बताना लाजिम है। मत डरो, तुम हमारे हुजूर फरियाद लाई हो और हम हर सूरत में तुम्हारी फरियाद को पहुंचेंगे। अन्नदाता, मुल्जिम का नाम सुनने से पहले लौंडी को जान की अमान दो। मजलूमा, हम तुम पर खफा होने नहीं आए हैं, हम जालिम और मजलूम का इंसाफ करने आए हैं। विधायक होकर जालिम का नाम पुकार दो, जालिम हम ही क्यों ना हूं। लो अब कहो तुम्हें किसने सताया है। मलका आलम ने। फरियादी, गोया तुम मलका नूर जहां पर अपने खाविंद के कत्ल का इल्जाम धरती हो। नहीं मजलूमा, हम तुम पर खफा नहीं होंगे, हम इस इल्जाम का सबूत चाहते हैं। तुम्हारे पास इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत है? है अन्नदाता। पेश हो। तीर मलका आलम का। और फैसला? आज फैसला नहीं हो सकेगा। आज दो बराबर की ताकतें उलझ गई हैं। आज इंसाफ की जंजीर में कठिन गुत्थी पड़ गई है। शाह के इंसाफ के लिए आज एक टेढ़ा सवाल आ गया है। इस टेढ़े सवाल का क्या जवाब निकल सकता है, यही तो अब देखना है। दुहाई है आलम की। इजाजत है। जहां पना फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए हैं। फरियादी अब मलिक मुअज्जमा को पुकार रहे हैं। क्या अर्ज किया तुमने, फिर दोहराओ। जहां पना फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए हैं। फरियादी अब मलिक मुअज्जमा को पुकार रहे। जहां पना फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? पूछो इससे क्या कहना चाहती है। कहो क्या कहना चाहती हो। मलिका मुअज्जमा सुनना चाहती हैं। मेरी छाती में भी एक तीर चुभो दो, मुझे सर पीटने के लिए मत छोड़ो। मैं रान बनकर नहीं जी सकती, मैं भी तुम्हारा तीर खाने आई हूँ। तुमने मेरी मां क्यों की सोट ली, मेरा जीवन तुमने क्यों जीर्ण कर दिया, बताओ ये तुमने क्यों किया, बोलो। बोले का मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरा जमा जमाया मेला तुमने क्यों किसान दिया। मुझसे किसी का खून हुआ, कैसे हुआ, पूछो। इसकी फरियाद आलम पना के गोश गुजार हुई। तुम्हारी पुकार बादशाह सलामत तक पहुंची? पहुंची। फैसला पूछो, फैसला क्या हुआ।
मलका मौजिमा फैसला दरिया फरमाती हैं। ऐसा नहीं हुआ। शाही जिंदगी में यह पहला वक्त है कि कानून इंसाफ करते हुए झिझक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने का बाइस मलके मौजिमा है और मलके मौजिमा जहांगीर इंसाफ का भाव खूब जानती हैं। उनसे कह दो जहांगीरी इंसाफ का भाव गिरने नहीं पाएगा। मलके मौजिमा यकीन दिलाती हैं कि आलीजा अपने इंसाफ का भाव नहीं गिराएंगे। मालूम करो जहां पना कहां तशरीफ फरमा है। तमाम में ढूंढ फिरी, सुना है कोई फरियाद लाया है? आपने भी सुना? सुन लिया और उसकी फरियाद भी सुन ली। फरियाद क्या है? फरियाद ये है कि किसी ने कानून की हद से बाहर होकर इंसानियत का खून किया। फैसला फरमाया? यही सोच रहे हैं कि फैसला क्या होना चाहिए। जो होता रहा है वो अब कैसे होगा? अब क्या बात है? ऐसी ही बात है, मलिका नहीं जानती। आप जानते हैं? मलिका नहीं जानती, मलिका जानती है। मलिका किसी के खून से अपने हाथ रंग बैठी है। मलिका अपना जुर्म जानती है। मलिका? सुल्तान, मलिका भला कैसे ना जानती। मलिका ही ने तो कानून की हद से बाहर होकर इंसानियत का खून किया है। और मलिका के लिए भी सुल्तान का वही फैसला होना चाहिए जो कातिल के हक में अब तक होता रहा है। जान के बदले जान ही जहांगीर का इंसाफ है और इंसाफ की गिरफ्त किसी के लिए भी ढीली नहीं हो सकती। मलिका मुजरिम है और मुजरिम को अपने हक में फैसला करने का इख्तियार नहीं है। फरियाद हमारे पास लाई गई है, हम ही उसका फैसला करेंगे। लेकिन आज सुल्तान और इंसाफ के बीच में मोहब्बत आ पड़ी है। इंसाफ तक पहुंचने के लिए सुल्तान को मोहब्बत की लाश पर से गुजर जाना चाहिए। मलिका शाही कानून से ज्यादा महंगी नहीं है और मुझे यकीन है कि सुल्तान उसे महंगा नहीं समझेंगे। कोई शय अपना मोल नहीं समझती। नहीं समझती, लेकिन मोहब्बत का मोल समझने का ये वक्त नहीं है। इंसाफ से मोहब्बत का सौदा न कीजिए सुल्तान, ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। आप जानते हैं कि हुकूमत का कानून आपका सहारा लिए खड़ा है। आपके डगमगा जाने से सारी सल्तनत के कानून की बुनियादें हिल जाएंगी। जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपसे एक दुनिया के भरोसे की डोर बंधी हुई है और ये भी कि आपके जरा सा पीछे हटने पर यह डोर टूट जाएगी। आपने इंसाफ के खलियान में अगर चिंगारी डाल दी तो दुनिया भर का इंसाफ जल जाएगा। आग हमारे दिल में भी दहक रही है। इस आग में ना मालूम क्या क्या जलकर रह जाएगा। मैं जानती हूँ मोहब्बत आपको पुकार रही है। मोहब्बत को पुकारने दीजिए, मोहब्बत को दम तोड़ने दीजिए। ये इंसाफ का खून चूसना चाहती है। हम दरिया में गिर गए हैं और तुम चाहती हो कि हमारा दामन न भीगने पाए। ये कैसे मुमकिन हो? कैसे भी हो, लेकिन ये ना हो कि मोहब्बत के लिए इंसाफ के खिंचाव में झोल आ जाए। ये ना हो कि जहांगीर के अदल की तारीख में ना इंसाफी का वर्ग शामिल हो जाए।
लोग ये ना कहने पाए कि जहांगीर का इंसाफ मोहब्बत के बोझ से लचक गया। तुम ये चाहती हो कि तुम्हें, जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज जानते हैं, बेरहम कानून के सुपुर्द कर दें? और आपके ये चाहते हैं कि मैं दुनिया की लानतों के पल्ले पड़ जाऊं? आप क्या ये चाहते हैं कि रहती दुनिया तक मेरे साथ जिल्लतें लिपट जाएं? दुनिया की तारीख के साथ ये भी दोहराया जाया करे कि नूरजहां वो थी जिसने अपनी जिंदगी के लिए अदले जहांगीरी की भेंट ली। दुनिया के होठों पर जब भी मेरा तस्करा आया जिल्लत के साथ है। दुनिया की जबानें जब भी मेरा नाम लिया करें कांप जाया करें। मैंने जुर्म किया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा न दीजिए। ये मेरे जुर्म के मुकाबले में बहुत बड़ी सजा है। जहां पनाह सलामत बाद बात आदाए आदाब दस्त बस्ता फरियादी अब तक जहां पनाह से इंसाफ की लौ लगाए खड़ी है। अदब भाई मुलायजा होशियार, अदब भाई मुलायजा होशियार, मकतूल के कत्ल के लिए हुकूमत की मलिका मुल्ज़िम कही गई हैं, इसलिए इस इल्ज़ाम का फैसला दरबार में सादिर होगा। अवाम को हाजिरी का हुक्म है। हमें अपनी जिम्मेदार शख्सियत से उम्मीद है कि हम अपने कानून में किसी तरह की बदयानती न कर सकेंगे। मलिका हिरासत में ले ली जाएं। आप ना? मलिका हिरासत में ले ली जाएं। इर्शाद। क्या खबर लाई? रोती है? रोती क्यों है? आज तुम्हारे शहंशाह के इंसाफ ने आबे हयात पी लिया है। चलो शुक्रिया अदा करें। इसके लिए है ये? मलका आलम के लिए है। लौट दो इन खानों को। मलिका आज रात कैदी है और उन्हें भी वही खाना मिलेगा जो कैदियों को मिलता है। शुक्र है। Thank you.
आपको याद फरमा रहे हैं। हमें? जी। अच्छा मेहरुनिसा, ये कबूतर हमारे लिए रहना, हम अभी आते हैं। हमारे कबूतर? और दूसरा, दूसरा क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया? कैसे? ऐसे। मेहरू, तुम बहुत खूब। साहिब आलम, कनीज का नाम तो मेहरू निशा है। हम मेहरू कहना चाहते हैं, मेहरू नाम हमें पसंद है। साहिब आलम, हम भी तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनना पसंद करेंगे। चाहो तो तुम भी हमें सलीम कह सकती हो। सुबह हो चुकी? हो चुकी जहां बना। है कि दरबार आम के मुनफ़िद होने का मंशा बयान किया जाए। आज इस दरबार आम में दुनिया का एक बहुत बड़ा और पेचीदा मुकदमा पेश हो रहा है। रानी सौजय रामू दाद धोबी की तरफ से मुकर्रमा व मखदुमा मलेका ए नूरजहां दाम इकबाल हा पर उसके शौहर रामू धोबी के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। शाही अदालत आज इस मुकदमे का फैसला फरमाएगी। मुद्दईया रानी और मुद्दालेहा मलका नूरजहां को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। मलका नूरजहां अदालत में हाजिर हैं। रानी,
हम दादा। ये फरियाद है तुम्हारी कि मलका नूर जहां ने तीर मारकर तुम्हारे शौहर को घायल किया और तुम्हारे शौहर ने मलिका के कसूर पर जान दी। हम दादा। और आज तुम अपने बादशाह से इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुई हो। हम दादा। मलिका आलमपना, आलमपना, तुम्हारे खिलाफ जो इल्जाम है उसे तुमने सुना? सुना, सुन लिया आलमपना। ये इजाजत दी जाती है कि इल्जाम के खिलाफ तुम्हारे पास अगर कोई उज्र हो खिदमत में पेश करो। अल्फाज नहीं, मेरे पास कोई उज्र नहीं। तुम्हें जुर्म का इकरार है? इकरार है, मुझे जुर्म का इकरार है आलमपना। लिहाजा तुम पर रामू नामी धोबी के कत्ल का जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम सही साबित हुआ। ये तस्लीम कर लेने के बाद कि तुम मुजरिमा हो, कानून के लिए लाजिम हो चुका कि वो अपने पूरे इख्तियारात को काम में लाकर तुम्हारे लिए सजा तजवीज करे। तुम्हारे लिए तुम्हारी निस्बत कानून ने जो राय कायम की है सुनो उसे। शहंशाह मुअज्जम, बेअदबी की माफी चाहते हुए गुलाम खिदमत आली में कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। जान का बदला जान, यही इंसाफ है। ये जहांगीरी फैसला मुहतरीमा और मुअज्जमा मलका सल्तनत के लिए जायज ना फरमाया जाए। फरियादी अगर आमादा हो तो खून की कीमत अदा की जा सकती है। शरीयत ने भी इस दूसरे तरीके को जायज करार दिया है। लेकिन मलका इस सल्तनत की खातिर तुम्हारा आलमपना अपने इंसाफ का भरम खोना नहीं चाहता। तुम्हारा सुल्तान अपने जिम्मेदारी की आप मारना नहीं चाहता। जहांगीर नहीं चाहता कि जमाने के सामने अपने कानून को तलबुन मिजाज साबित करें। इसमें माँ बदौलत के उसूलों को धक्का लगता है। इसमें जहांगीरी इंसाफ की तौहीन होती है। गुलाम की ये इल्तिजा सारे दरबार की इल्तिजा थी। नामंजूर फरमाई गई। माँ बदौलत इस मामले में दुनिया भर के इल्तिजाओं को भी नामंजूर फरमा देने पर आमादा है, मगर ये गवारा नहीं फरमा सकते कि किसी बहाने का सहारा लेकर अपने इंसाफ को धोखा दें या अपनी ताकत, अपनी बादशाहत, अपने अख्तियारात और अपने रोबेशाही से नाजायज फायदा उठाकर कानून की बात दूसरी तरफ मोड़ ले जाए। मुजरिम के भेस में रियाया और बादशाह की एक ही जैसी शक्लें हो जाती हैं, फिर कानून कैसे एक जैसी शक्लों में किसी को पहचान सकता है? इसलिए माँ बदौलत के इंसाफ का आलम झुककर मलका के कदमों को बोसा नहीं दे सकता। आइंदा कता कलामी की किसी को जरूरत ना हो, एक तीबान मजलूमा के हवाले किया जाए। मुजरिमा तुम मलिका थी, लेकिन मलिका होने का तुम्हारे ये मतलब नहीं था कि तुम एक जिंदगी के साथ खेल सको। अपनी तफरी के लिए तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज की परवाह न करो। तुम चलो तो जिंदगियों को रगड़ती हुई चलो, तुम हंसो तो औरों को रुलाकर हंसो। कानून किसी को भी इस फुरौनियत का अख्तियार नहीं दे सकता। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि इंसाफ एक अंधे की लाठी है जिसे कुछ नहीं सूझता। लिहाजा तुम्हारे हक में हमारा इंसाफ यही फैसला ठहराता है कि जिस तरह तुमने एक औरत के स्वार्थ को खून में डुबोया है, इसी तरह तुम्हारे स्वार्थ को भी खून में डुबो दिया जाए। माँ बदौलत अपने इस फैसले के मुताबिक तुम्हारे शौहर को मौत के हवाले करते हैं। रानी, जिस तरह मलका ने तुम्हारे खामिन की जिंदगी पर तीर मारा है, उसी तरह तुम भी मलका के शौहर की जिंदगी में तीर चुबो। आलम फला को मलका आलम ने पुकारा। रानी, मारो तीर हमारे सीने में। खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। इसी इंसाफ के बल पर हमारा खून बहा दो, हमें खून में डुबो दो, हमें हमारे ही कानून के शिकंजे में रख के पीस डालो, हमें हमारे ही इंसाफ पर कुर्बान कर डालो, हमारी ही लाश हमारे इंसाफ की ठोकरों में डाल दो, हमारे इंसाफ को आबे हयात पिला दो। शामिल हो तमिल हो।
तमिल हो, तमिल हो, तमिल हो, रानी। अपने सुहाग के उजड़ जाने के बदला दुनिया की तमाम औरतों के सुहागों को उजाड़ कर ले लो, पर मलके मौजमा के सुहाग को मत उजाड़ फेंकना कहीं। एक अपने न्याय के कारण सारे संसार से न्याय की पूंजी को मत छीनो। न्याय ने जो तुम्हें अख्तियार दिया है, संसार के कारण उससे हाथ उठा लो, बलिदान कर डालो, दुनिया तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। संग्राम सिंह अंधाता, तुम शाही इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाकर गुस्ताखी कर रहे हो। क्षमा अंधाता, लेकिन आलमपनाह की जिंदगी से तमाम रियाया को एक जबरदस्त वास्ता है। शहनशाह अपने लिए नहीं है, रियाया के लिए है, और रियाया को अपने शहनशाह के लिए चिल्लाने का हक है। ये सिर्फ एक ही शख्स की आवाज नहीं है अन्नदाता, इसमें तमाम रियाया की चीखें शामिल है। हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता। तुम्हारे पति का खून बहकर रानी बेकार नहीं गया। वो अगर न बहता तो दुनिया ये न समझ सकती कि इंसाफ का सैलाब अगर झोपड़ियां बहा सकता है तो महल भी बहा सकता है। इंसाफ की चक्की में अगर ठीकरे दले जा सकते हैं तो पहाड़ भी दले जा सकते हैं। इंसाफ की दहकी हुई भट्टी में मोम ही नहीं लोहा भी पिघलता है। आज दुनिया ने यह जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। संग्राम ने भी आज ही यह समझा है। मैंने अपना हक छोड़ दिया। नहीं, तुम अपना हक मत छोड़ो। इसका यह मतलब होगा कि तुमने मलके मौजमा को माफ करके मलके मौजमा पर एहसान किया, और एहसान करने का तुम्हारे यह मतलब होगा कि तुमने मलके मौजमा की निगाहें झुका ली, मलके मौजमा के सब मुबारक को तुमने नीचा कर लिया। ऐसा होना गजब है, ऐसा करना बेअदबी है। मलिका की निगाहें प्रजा में से किसी के सामने भी नहीं झुकेंगी। मलिका का सर प्रजा में से किसी के सामने भी नीचा नहीं होगा। अपनी मलिका पर अपना एहसान मत रखो, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। उनकी कीमत ले लो, ये न्याय है। मुझे मंजूर है। सरदार संग्राम सिंह जिंदाबाद। मेरी तरफ से आलमपना की खिदमत में दरख्वास्त है कि आज की इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। मलके आलम की तरफ से आलमपना की खिदमत में दरख्वास्त है कि इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। हुक्म इनायत है। आज बतारीख 28 रमजान और मुबारक शाही फरमान जारी हुआ है कि शाही खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की सजाएं माफ फरमाई गई। मलके आलम भी अच्छी मलिका है, रानी धोबन भी अच्छी धोबन है, और रामू धोबन तो सबसे अच्छा धोबी था बेचारा।
तुम्हारे बादशाह और तुम्हारी मलिका की दुआएं तुम्हारे साथ हैं।